गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं ज्योति मालवीय आचार्य चाणक्य स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, यानी क्लास है उसमें 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका नंबर ऑफ बॉयज से कितना रेशियो है, उन दोनों के बीच का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, नंबर ऑफ बॉयज है 15। क्वेश्चन नंबर ए में हमें बोला है कि हम क्या करें, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स पहले निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स है 20, बॉयज है 15, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 35। अब इसके बाद में रेशियो निकालना क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, यानी जितनी गर्ल्स हैं उसका हमको किससे रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पर 20 और नंबर ऑफ बॉयज कितनी है 15। तो क्या लिख देंगे 20/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। किससे कट कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको, देखिए यहाँ पर हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 4 20 और 5 3 15। तो हमारा यहाँ पर रेशियो क्या आ गया 4/3। अब यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट से। ठीक है, किसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट से कितना रेशियो होगा। तो यहाँ पर 20/ कितना हो जाएगा 35, क्योंकि गर्ल्स कितनी है 20 और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हमने फाइंड किए थे वो कितने हैं 35। तो 20/ कितना हो जाएगा 35, यानी यहाँ पर हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4/7। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, यानी एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 लाइक क्रिकेट, 12 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो हमें उनका रेशियो फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स दिए गए हैं फुटबॉल कितने खेलने वाले 6 हैं, इसके बाद में क्रिकेट खेलने वाले 12 हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टेनिस खेलते हैं वे कितने हैं। देखिए अब टेनिस खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी बचे हुए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए रिमेनिंग स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है उसमें से क्या करेंगे, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट हमारे 30 थे और फुटबॉल खेलते हैं 6 और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं 12, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 18। 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए में बोला है उसने कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस, यानी हमें रेशियो निकालना है किस किस का, ऐसे स्टूडेंट का जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट खेलना पसंद करते हैं यहाँ पर 6 और टेनिस का हमने निकाल लिया कितने स्टूडेंट्स निकाले हमने 12, तो यहाँ हो जाएगा 6/12 = 1/2। अब बी क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे निकालना जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, उनका रेशियो किससे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में उनसे हमें रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं 12, उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने क्लास में 30 हैं, तो क्या कर देंगे 12/30। अब इसको हमने कट कर दिया 6 से, तो 6 2 12 और 6 5 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमीद और अख्तर है वे दोनों क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी 1 आवर में जो हमीद है वो 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ट्रैवल करता है, और जो अख्तर है वो 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो उन दोनों की जो स्पीड है उसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी जो हमीद की स्पीड है और जो अख्तर की स्पीड है उन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, डिस्टेंस सबसे पहले लिखेंगे किसके द्वारा ट्रैवल की गई, हमीद के, यानी हमीद जितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितनी करता है 9 किलोमीटर, और अख्तर के द्वारा कितनी डिस्टेंस 1 आवर में कवर की जाती है 12 किलोमीटर।
तो हम इन दोनों का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ हमीद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर, यानी जितनी स्पीड हमीद 1 आवर में ट्रैवल करता है और जितनी स्पीड अख्तर 1 आवर में ट्रैवल करता है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो स्पीड ऑफ हमीद कितनी है, 9 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ जो अख्तर वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे किससे, 3 से, 3 3 9 और 3 4 12, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, 3/4। अब इसको रेशो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:4। क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया है, यानी जहां पर हमें ब्लैंक्स दिया गया है वहां पे हमें फाइंड करना है कि वहां पर कौन सी डिजिट आएगी। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 15/18 = blank/6। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो है हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आधार पर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 15 है 15 का हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 18 है उसका हम ब्लैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 15 × 6, अब ये जो 18 होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, और ये जो ब्लैंक्स यहीं रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 से हम कट कर देंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। ठीक, आंसर अब हमारे पास हो गया 15/3। अभी इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ब्लैंक में 5 आ गया। बी नंबर क्वेश्चन में दिया है 5/6 = 10/ब्लैंक। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 5 है उसका ब्लैंक से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × blank = 10 × 6। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, 6, और जो 10 का हमने मल्टीप्लाई किया उसके अपॉन में, 5 से कट करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अभी जो ब्लैंक है इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 6, यानी 6 × 2 = 12, यानी जो ब्लैंक हमारा होगा उसके जगह पर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, यानी यहाँ पर हमें दिया गया है 81 to 108, इसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी 81 का हमें 108 से रेशियो निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, 81 अपॉन क्या करेंगे, 108, या तो आप इसको सिंपली काट सकते हो या एक काम कर सकते हो, ये जो 81 है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी हम इसका एलसीएम निकाल दें और इसके जो फैक्टर्स होंगे हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 81 का 3 × 3 × 3 × 3, इस प्रकार से हम 81 को लिख सकते हैं। इसके बाद में 108 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये जो 3 है यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर 4 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम है, तो ये जो 3 × 3 है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे, यानी आप इसको यहाँ से 3 से 3 को काट सकते हो, ये 3 से 3 और ये 3 से 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 3, और यहाँ पर 2 × 2 यानी 4, तो इसका रेशो कितना हो गया, 3:4। अब 98 का हमको 63 से रेशो निकालना है, तो 98/63। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इनका जो हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 7 × 7, और यहाँ पर हो गए 3 × 3 × 7, तो अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 7 यानी हो गया 14, और 3 × 3 = 9, यानी इसका रेशियो कितना हो गया, 14:9। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, किसका, 30 मिनट्स का हमें रेशियो फाइंड करना है 1.5 आवर्स से। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया हमें, मिनट्स में दिया है, ये मिनट्स में दिया है, और ये क्या दिया है हमें, आवर्स में। ठीक, तो ये जो आवर्स है ना इसको हम क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनट्स में दिया, मिनट्स से हमको रेशियो फाइंड करना है आवर्स में। तो क्या करेंगे, ये जो 1.5 आवर्स है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट्स में। तो हमें पता है कि 1 आवर = कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 1.5 आवर्स = कितना हो जाएगा, 1.5 × 60। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 का 60 से, तो हमारा आंसर हो गया 90 मिनट्स। ठीक, अब इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, कैसे करेंगे, 30 मिनट्स रेशियो हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 30/90, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 9 यानी 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब भी क्वेश्चन इसमें हमें 40 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इस मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर = कितना हो जाएगा, 1.5 × 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का 100 से, तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर।
अब इसका रेशो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए रेशो किससे निकालेंगे, 40 सेंटीमीटर से 40 लिख देंगे और 1.5 मीटर यानी कितना लिख दिया हम, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, यानी यहाँ लिख देंगे 40/150। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4/15। तो इसका आ गया आंसर 4:15। क्वेश्चन नंबर सी में 55 पैसे 2 रुपीज़ 1, यानी हमें रेशो फाइंड करना है 55 पैसे का किससे, 1 रुपीज़ से। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो 1 रुपी होता है वो कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे। तो 55 का हमको 100 पैसे से निकालना है, 55 पैसे और 100 पैसे इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55/100। अब इसको आप सिंपली कट कर सकते हो, 5 से कट कर दीजिए तो हो जाएगा 5 1 5 5 1 5 5, यानी 11 टाइम हो जाएगा, और 5 2 10 और 0 का 0, यानी आंसर हो गया 11/20, यानी ये आंसर आएगा हमारा 11:20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000, फाइंड द रेशियो। अब क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर सीमा है, उसने एक साल में 1,50,000 को क्या किया, अर्न किया, और 50,000 जो होते हैं उनको सेव किया। तो अब हमें रेशो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अर्न किए सीमा ने 1,50,000, उसने कितने पैसे बचाए, 50,000। अब देखिए इतने तो उसने क्या किए थे, अर्न किए थे 1,50,000, उसके बाद में सेव कर लिए कितने, 50,000। तब उसने स्पेंड कितने किए होंगे, कितने रुपीज़ उसने खर्च किए, तो उसका खर्च हम निकाल लें। तो देखिए खर्च कैसे निकालेंगे, जो टोटल मनी है यानी जितने उसने अर्न किए 1,50,000, उसमें से हम क्या करेंगे, जितने उसने सेव किए 50,000 बचाए, तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1,00,000, यानी 1,00,000 क्या हो गए उसके, स्पेंड हो गए इतने उसने खर्च कर दिए। अब रेशो निकालेंगे, रेशो में क्या बोल रहा है, मनी अर्न अपॉन मनी सेव, यानी हमें रेशो निकालना है जितनी मनी उसने अर्न की थी उसका रेशो निकालेंगे किससे, जितनी मनी उसने सेव की थी। ठीक है, तो अर्न कितना किया था 1,50,000 और सेव कितना किया 50,000। ठीक, इतने रुपीज उसने अर्न किए और इतने सेव कर दिए। तब क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट करेंगे तो ये 4 times 0 से 4 times 0 कैंसिल हो गई, 15/5। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे 5 को, 5 1 5 5 3 15 हो गया 3/1, यानी इसका आंसर आ गया 3:1। अब क्या करेंगे, बी नंबर में हमें रेशो निकालना है। अब इसमें हम रेशो निकालेंगे सेव्ड मनी का स्पेंड मनी से, यानी कितनी मनी उसने सेव की थी और कितनी मनी उसने खर्च कर दी। तो यहाँ पर देखिए कितने पैसे उसने सेव किए थे, 50,000 सेव किए और स्पेंड कितने किए, 1,00,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 times 0 से 0 को माइनस कर देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 हटा दिए थे, हो गया 5/10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5/10 इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 102 टीचर्स हैं एक स्कूल में और स्टूडेंट्स हैं 3,300, तो हमें क्या करना है, टीचर का स्टूडेंट से रेशो फाइंड करना है। तो टीचर्स 102 हैं और स्टूडेंट्स 3,300 हैं, रेशो निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर्स है 102 और स्टूडेंट्स है 3,300। तो हम क्या करेंगे, 102 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे, इसके हमने जब एलसीएम निकाला था तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए थे 2 × 3 × 17, और इसका हुआ था 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 11। अब यहाँ पे 3 और 2 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 17/2 × 5 × 5 × 11। ठीक है, तो हो गया 17/ अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 550। तो इसी प्रकार से हमारे आंसर हो जाएगा 17:550।